अंबेडकर नगर जिले के ताजपुर में मोहम्मद साहब की चहेती बेटी हजरत फातिमा जहरा की विलादत के मौके पर आल इमाम चैरिटेबल फाउंडेशन ताजपुर द्वारा 14 व्यक्तियों को रोजगार हेतु ठेला एवं 19 व्यक्तियों को चिकित्सीय सहायता तथा 51 महिलाओं व विकलांग व्यक्तियों को 6,000 प्रति व्यक्ति पेंशन चेक दिया गया। इस मौके पर अल इमाम चैरिटेबल फाउंडेशन के चेयरमैन ख्वाजा शफात हुसैन एडवोकेट ने कहा कि विलादत के मौके पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और बहुत ही खुशी के मौके पर इस प्रोग्राम को रखा गया है। जनाब ख्वाजा शिफात हुसैन साहब के जो चेयरमैन अल इमाम फाउंडेशन के हैं और वो इनकी मौजूदगी में दबीर साहब और इरशाद साहब की मौजूदगी में एक प्रोग्राम को रखा गया है जिसमें फ़करा और मसाकीन के लिए ठेला और रिक्शा और ये तमाम पेंशन विवाओं के लिए रखा गया है। ईदी दी जा रही है फातिमतुज़्ज़हरा सलाम अलैहा की जानिब से और हम दुआ करते हैं कि इनके तौफीकात में इजाफा फरमाए और रोज़ बरोज़ इनकी तरक्की में इजाफा फरमाए। जो लोग रोज़गार करना चाहते हैं उनके लिए ठेला रिक्शा मुहैया कराया गया है। साथ ही साथ शहजादी की विलादत के मौके पर आज 19 लोगों को चिकित्सीय सहायता और साथ ही साथ 51 विधवाओं और विकलांगों को पेंशन के चेक भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि इस मौके पर हम चाहते हैं कि इसे खुशी के साथ इसे मनाया जाए, इसलिए से ये तोहफे के तौर पर आज समाज को दिया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि हम समाज के अंतिम तक पर